जी महादेव जी के और बोलिए श्री शंकर महाराज की जय। बोलिए श्री कैला मैया की जय। तो दोस्तों आज हम आए हुए करौली डिस्ट्रिक्ट के कैला देवी नामक शहर में, जो कि सालों से लोग आते जा रहे हैं वृंदावन से दर्शन करने, और आज हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं महेश्वरा बाबा का ये अद्भुत दर्शन। देखिए सामने से झरना बह रहा है और वो झरना कैसे नीचे मोतियों की तरह पानी गिर रहा है कि जैसे कि एकदम चमत्कार लग रहा हो कि पानी का सोर्स क्या है कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे जो भोले बाबा के दर्शन हम आपको करवाएंगे, वो भी ऊपर से पानी आ रहा है, वो नीचे उसका भी सोर्स नहीं पता कि वो पानी कहाँ से भगवान पे जल चढ़ रहा है। तो आपको उस महेश्वरा बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहाँ लोग बहुत कम लोग जानते हैं जिनके दर्शन के बारे में। तो आ जाइए दोस्तों मेरे साथ महेश्वरा बाबा के दर्शन करने के लिए। आप भी आगे बढ़ते रहिए और दर्शन करके अपनी हाजिरी लगाते रहिए बाबा के श्री चरणों में। और यहाँ पे ये दर्शन कीजिए बाबा महेश्वरा की और प्रेम से बोलिए बाबा जय, बाबा महेश्वरा बाबा की जय। और अब आपको यहाँ के पुजारी जी आचार्य जी अब आपको इनका महत्व बताएंगे कि कब से लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं और कब से लोग इन महादेव के बारे में जानते हैं। हमारी 7 पीढ़ी है पूजा करते करते इनको, आज हम 7वीं पीढ़ी पे हूँ। रमेश पुजारी, गांव करनपुर, जिला करौली, तहसील सपोटरा, नाम रमेश। तो आपकी 7 पीढ़ियाँ यहाँ पे भगवान की महादेव की सेवा कर रही हैं। 7 पीढ़ी। तो आपका तो जीवन सफल हो गया, आपको कैसा लगता है? नहीं बढ़िया लगे हमको, यहाँ की सेवा करके और लोगों को और जानकारी देना। हाँ आज सब लोगों के लिए जानकारी है, सबको दुख पीड़ा सबको कटे भोलेनाथ केदारनाथ तक की पब्लिक आती है। यहाँ आती है, यहाँ पे आके उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ वो दोबारा आके भोग लगा, भोग प्रसाद की दुकान भी नहीं है यहाँ पे भोले बाबा पे। पुजारी भी दुखी है, खाने पीने की तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था पुजारी की भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा है नहीं, खाली सेवा करता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। तो दोस्तों देखिए जैसा कि पुजारी जी ने बताया अभी आपको, यहाँ पे आगे हारे और दुखी दीन दुखियों की मनोकामना महादेव सुनते हैं उनके। आप भी इनके दर्शन करने आइए और इनका भोग प्रसाद लगा के पुजारी जी से अपनी अर्जी स्वीकार करवाइए। तो ये देख लीजिए दर्शन एक बार और फिर दर्शन कर लीजिए महादेव जी के और बोलिए श्री शंकर महाराज की जय। शंकर भगवान की है, गणेश जी की है, पार्वती जी की है,
और नंदेश्वर की है और शेषनाग की है, पूरी पूरे परिवार से, पूरा परिवार, पांचों परिवार से शंकर भगवान की मूर्ति है। राइट में जिसमें गाय का दूध कब गए हो सिर पे, गैया का दूध सफेद, दोस्तों ये गाय का दूध टपक रहा है, आज भी टपक रहा है, ये सालों से सदियों से चलता रहा है, टपकता रहा है और किसी को इसका सोर्स नहीं पता कि ये कहां से आ रहा है। ये एक इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दोस्तों। देखो और सबकी मनोकामना पूरी करता है इसकी बात, कोई भी आए महादेव।